क्लास एट एक्सरसाइज 2.3 है और सवाल है छठा, जिसमें लिखा है 8x + 4 = 3 कोष्टक x-1 + 7। अब इसको हल कैसे करेंगे? इसको हल करेंगे सिंपल तरीके से। सबसे पहले करेंगे 8x को ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर प्लस 4 को ऐसे लिख देंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। 3 कोष्टक के बाहर है, 3 दोनों जो संख्या है उनसे गुणा होगा, 3 एक्स से भी गुणा होगा और माइनस 1 से भी होगा। तो पहले एक्स से गुणा करेंगे, तो 3 को एक्स से करा तो 3x हो गया, फिर माइनस, फिर 3 को 1 से करेंगे तो जाएगा 3 × 1 = 3 और फिर प्लस 7। अब देखेंगे एक्स वक्स को अलग लिखेंगे और संख्याओं को अलग कर देंगे। 8x इधर ही है तो 8x को इधर रख लेते हैं, फिर ये माइनस का 3x, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3x, फिर बराबर ये 4 उधर चला जाएगा, तो माइनस 3 तो पहले से इधर है ही और प्लस 7 इधर है ही, ये आएगा, ये तो पीछे आएगा, तो ये प्लस का है, इधर आके पीछे माइनस का हो जाएगा। सिंपल तरीका है। अब क्या करेंगे, ये 8x है और ये 3x है, मतलब 8 में से 3 को बाकी निकालना आपको, तो 8 में से 3 जाता कितना बचता है, 5। ठीक है, 5x आ गया बराबर। देखो प्लस का एक भी बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, बड़ी संख्या 8 है तो इसका प्लस का चिन्ह लग गया, प्लस का लगाते नहीं है। माइनस 3 है और ये माइनस चार है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो माइनस 3 और माइनस 4 कितना होता है, माइनस का 7 होता है और फिर प्लस का 7 है, ये प्लस का 7 है। अब 7 में से 7 जाता है तो कुछ नहीं बचता है, तो x बराबर 5x बराबर क्या आ गया, 7 में से 7 गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 0 आ गया। तो फाइनली x बराबर क्या हुआ, x बराबर 0 आ गया, क्योंकि ये 5 जाएगा इधर, क्योंकि ऐसा होता है 0/5, क्योंकि नीचे आएगा तो इसका मतलब पूरा 0 हो गया, तो इसको लिखते नहीं, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, 0 आ गया। अब क्या करेंगे अपन, x बराबर 0 अपन समीकरण में रखेंगे, समीकरण में रखने पर ऐसा लिखेंगे, समीकरण कौन सी, ये सवाल है अपना, इसमें रखेंगे अपन। देखें जो x का मान 0 आया, 0 इसमें रखेंगे, तो अपन ने करा 8 और जो x है उसकी जगह 0 रखना था, मैंने 0 रख दिया, फिर प्लस 4, फिर बराबर 3 कोष्टक 0 - 1 प्लस 7। अब 8 0 से गुणा होगा, मतलब 0 प्लस 4 बराबर 3, 0 से गुणा होगा तो 0 और 3 1 से गुणा होगा तो माइनस का 3 और फिर प्लस का 7। अब देखो वापस करते हैं, ये 4 बन गया इधर और ये 7 में से 3 जाता है, तो इधर प्लस का 4 आया और इधर बड़ा चिन्ह किसका है, 7 है और 7 का चिन्ह क्या है, प्लस का है, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बनेगा, तो 4 बराबर 4 आ गया इधर, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। तो फाइनली लिख देंगे अपन LHS बराबर RHS, ये हो गया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। ऐसा अपन ने इसलिए करा क्योंकि सवाल अपने से यूँ कह रहा था कि उत्तर की जांच भी करो, तो ये अपने उत्तर की जांच कर ली और यही आपका आंसर है।